नमस्कार दोस्तों, आज कैबिनेट मिनिस्ट्री ने NPR का जो है परमिशन दे दी है। नेशनल अपना जो है पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो उसको मंजूरी दी है, यानी जनगणना जब होगी तो आपका सिर्फ पहले आपके घर में कितने लोग हैं, कितनी पब्लिक है आपके घर में, कितने बच्चे हैं, ये पूछा जाता था। अब आपके घर में आपके कास्ट, आपके रिलीजन, साथ में आपके आई प्रिंट्स और फिंगर प्रिंट्स ये भी लिए जाएंगे। आप बोलेंगे इससे होता क्या है। इसका सबसे दूरगामी परिणाम है आप एक तरह से स्लेव बन जाओगे। आपकी पूरी बायोमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन ये गवर्नमेंट के पास रहेगी। ये BJP गवर्नमेंट रहो या कांग्रेस की रहो या किसी भी थर्ड आघाड़ी की रहो, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए गांधी जी ने 1910 में जब पहली बार यहाँ पे आए थे हिंदुस्तान में, उसका वीडियो मैंने अभी शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, आप एक तरह से स्लेव बनने वाले हो। इस बात का स्वातंत्र पूर्व जब तो आज क्या नौबत आई है कि आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो। हिंदुस्तान के लोगों को मोदी जी ने कहा है कि इसको महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था, ये पूरी तरह से झूठ बात है। मोदी जी ने झूठ बात की है। इसका वीडियो अभी भी मैंने शेयर किया है, आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक पॉल के ऊपर। क्यों, और इसका मैंने 2-3 घंटे पहले एक पोस्ट डाली हुई है कि जिसके ऊपर मैंने लिखा है कि NPR इज इक्वल टू स्लेवरी। आप एक तरह से गुलाम बनाए जाने वाले हैं। जो चीज़ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के पहले से जो अंग्रेज कराना चाहते थे वो आज मोदी साहब कर रहे हैं। जो NPR बिल है इसी को स्टैंड अप करते हुए आपका कहा है आपको NCR बिल, ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के खिलाफ नहीं है, ये आपके लिए भी है। अगर आपके पास आपके बाप दादाओं के पास यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या आपकी नेशनलिटी प्रूव करने के लिए नहीं है तो डिटेंशन कैंप में आपको रखा जाएगा। कि अकेला हिंदुस्तान ही डिटेंशन कैंप में नहीं जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, चाइना, अमेरिका में फेमा नाम से इसके कैंप चलते हैं, डिटेंशन कैंप आपको रखा जाएगा। चाइना में ये हो चुका है 1992 में, जब वहाँ पे एक दल, एक ग्रुप पर्टिकुलरली जैसे यहाँ पे मुस्लिम लोग कह रहे हैं, वहाँ पे एक स्पेशल रिलीजन को उन्होंने डिटेंशन कैंप में रखा था 1992 से लेकर 2013 तक, जिसके अंदर हार्वेस्टिंग हुई थी, ऑर्गन हार्वेस्टिंग स्कैम। इसको 2013 में जिस डॉक्टर ने इसको उजागर किया, इसको ओपन अप किया है, वो आज UN के अंदर कस्टडी में है एज विटनेस प्रोटेक्शन। अब इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हो, जो मैंने कहा है आपको ऑर्गन हार्वेस्टिंग कैंप्स चाइना, आप गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब कीजिए, डिटेंशन कैंप्स इन अमेरिका उसको फेमा कहा जाता है वो आप सर्च कीजिए। इवन जर्मन में जो हुआ था ज्यूइश मस्कार, जो ज्यूइश लोगों को मारा गया था 60 लाख ज्यूइश लोगों को, वो सिर्फ ओपन अप हुआ है क्योंकि तब World War II हुआ था। इसलिए अभी जो चल रहा है ये साइलेंट फॉर्म में चल रहा है और ये एजेंडा बहुत पुराना है, ये 16वीं सदी से आ रहा एजेंडा है। इसको एजेंडा 2030 कहा जाता है। अगर आपको मालूम नहीं है गूगल कीजिए, यूट्यूब देखिए, विकिपीडिया देखिए, 16वीं सदी से चल रहा एजेंडा है। दुनिया का पॉपुलेशन 50% से डिटोरिएट करना, कम करना, इसके लिए मार्वल ने जो मूवीज़ बनाए उसके अंदर बहुत अच्छे से कि कैसे इल्यूमिनाटीज़ क्या है इसको भी आप सर्च कीजिए। हॉलीवुड इसके बारे में बहुत पता नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था, कि हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा, मगर अब जो सरकार कर रही है ये उसी का पूरा फुल फ्लेज फॉर्म है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरे दुनिया भर में चल रहा है ये चीज़। NPR को, NCR को सपोर्ट ना करें। CAA के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि CAA वो हिंदुस्तान के लोग, बाहर से आने वाले लोगों के लिए है। जैसे मैंने परसों यूट्यूब मैंने आपको ब्रॉडकास्ट पर दिखाया है, पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए पहले से हिंदुस्तान में एक्ट है नहीं थी, मत उस CAA के लोगों को गुमराह। ये नया बिल जो लाया गया है NPR का, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये, और इसमें Article 6 है, यहाँ पे पाकिस्तान नेशनलिटी गिवन टू द पाकिस्तानी पीपल, उसके लिए स्पेशल आर्टिकल में स्पेशल लॉज है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को NPR के बारे में ज़्यादा जानकारी लीजिए या
जहाँ पे अभी भी करंट वहाँ पे लोग रास्ते पे आए हुए हैं, फ्रांस में आए हुए हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है आपके लिए, तो आपकी गलत फहमी है। आप